के साथ इस्तीफा स्पीकर के पास भी भेज, मैं चौधरी देवीलाल का पोता हूँ। और चौधरी देवीलाल ने, आपको तो शायद नहीं पता होगा लेकिन जो पुराने पत्रकार हैं वो इस बात को जानते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को मुरारजी देसाई ने जब उनको चरण सिंह की रैली में जाने से रोकने की बात कही थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री के पद को ठुकरा करके कि मैं किसान का बेटा पहले और मुख्यमंत्री बाद में, मेरे लिए विधायक का पद क्या मायने रखता है, किसान की लड़ाई के लिए मुझे अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, तो भी इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा हूँ। सर सर दीपेंद्र हुड्डा को भी नहीं चढ़ने दिया स्टेज पर और सुरजेवाला को भी स्टेज पर नहीं आने दिया उन्होंने, वो राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोग किसान की मदद करना चाह रहे तो फिर 100 से ज्यादा इनके मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, फिर उनको लेकर के राहुल गांधी महात्मा गांधी के शांति वन में जाकर के बैठ जाते हैं या इंडिया गेट पे बैठ जाते हैं। केवल अखबारों में बयान देने से कोई किसी की मदद नहीं कर पाता, कोई वहाँ बैठ करके रोटियाँ अगर सेक के फोटो खिंचा करके ये कहे कि मैं किसान की मदद करने आया तो केवल राजनीति है। किसान की मदद कैसे हो ये कांग्रेस वाले क्या जाने, कांग्रेस ने तो किसान को सदा कमजोर किया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की एक सोच है कि इस देश का जो मतदाता जो तुम्हें सरकार सौंपता है बड़ा उसको कमजोर है। लेकिन कृषि मंत्री तो ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है और किसान कम है, नीचे करा तो फिर मीटिंग क्यों करना है, फिर किस लिए चर्चा पे बुला, अगर उनको लग रहा है नीचा तो फिर आने वाले समय में ये किसान इनकी ऐसी बुद्ध बना देगा कि मेंबर पार्लियामेंट बनना तो बहुत दूर की बात है, मेंबर पंचायत नहीं बन पाए। सर सर आप कह रहे हैं कि किसान जो है, मैं भी किसान हूँ, मैं जो है उन्होंने ये कहा कि दलाल तो चोर है एक नंबर। किसने कह दिया कि जेपी दलाल जो किसान है, जेपी दलाल इरिगेशन के अंदर जेई था और पानी की चोरी करवाता था, किसान को परेशान करता था, इसलिए नौकरी गई इसकी। आप किसकी बात करते हो, पहले उन लोगों के जन्म मतलब देखने में क्या हो, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या काम। सर आपकी भी मांग है कि तीनों बिल वापस होने चाहिए, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं। तीनों के तीनों बिल वापस हों और किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करके H2 लागू करके और उसको उसकी लागत से 50% ज्यादा दे, इसका कानून बने। बाकी पेट कहाँ पे फंसे हुए जी, पेट तो सरकार ने पैसा रखा है, सरकार जो है सरकार इनकी बात को मान ले फिर अपने आप खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू।